अरे राजू, आज सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? अरे मुना, याद नहीं है क्या? चलो जल्दी तुम भी तैयार हो जाओ। आज 15 अगस्त है और हमें स्कूल जल्दी पहुंचकर आज ध्वजारोहण में शामिल भी होना है। ओ राजू, हाँ मैं तो भूल ही गई थी। चलो 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 चलते हैं। अरे राजू बताओ तो, ये ध्वज किसको कहते हैं? अच्छा ध्वज, मोना ध्वज हम तिरंगे झंडे को कहते हैं जो हमारे देश का प्रतीक है। लेकिन इसे तिरंगा क्यों कहते हैं राजू? क्योंकि मोना हमारे राष्ट्रीय ध्वज में तीन रंग हैं। पहला रंग जो है वो केसरिया रंग है जो एकता का प्रतीक है। दूसरा रंग सफेद है जो शांति का प्रतीक है और इसके बीच में एक अशोक चक्र भी है जिसे धर्म का चक्र भी कहते हैं। और सबसे नीचे होता है हरा रंग। हरा रंग मतलब हमारे देश की खुशहाली और हरियाली का प्रतीक और समृद्धि का प्रतीक। अरे वाह राजू, तुमने तो बहुत अच्छी जानकारी दी मुझे। मुझे तो इसके बारे में पता ही नहीं था। हाँ मोना, किसी भी देश का राष्ट्रीय ध्वज जो होता है वो उस देश की पहचान होता है और हम सबको अपने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए। तो आओ आज मैं तुम्हें हमारी कक्षा पहली के पाठ 16 झंडा की एक कविता सुनाता हूँ। तुम मेरा साथ दोगी इसे गाने में? हाँ राजू, चलो हम मिलकर इस कविता को गाते हैं। तो मित्रों, आप सब भी तैयार हो हमारे साथ इस कविता को गाने के लिए? तो ध्यान से सुनो और हमारा साथ दो। ये है अपना झंडा, कहते इसे तिरंगा। ये है अपना झंडा, कहते इसे तिरंगा। झंडा देश की शान है, हम सबकी पहचान है। झंडा देश की शान है, हम सबकी पहचान है। हम सब हंसते हंसते इसको करे नमस्ते। हम सब हंसते हंसते इसको करे नमस्ते। ठीक है मित्रों, आगे हम फिर मिलेंगे। आपने हमारा साथ दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बच्चों, कैसा लगा तुम्हें मोना और राजू से मिलकर? मजा आया इनके साथ कविता सुनकर? शाबाश बच्चों, आओ अब इस कविता को तुम मेरे साथ एक बार पढ़ो। कविता की पहली दो पंक्तियों को सुनो। ये है अपना झंडा, कहते इसे तिरंगा। झंडा देश की शान है, हम सबकी पहचान है। हम सब हंसते हंसते इसको करें नमस्ते। आओ बच्चों, अब कविता की इन पंक्तियों का हम अर्थ समझते हैं। पहली दो पंक्तियों का अर्थ है, ये है अपना झंडा, कहते इसे तिरंगा। इसमें बच्चे कहते हैं यह झंडा हमारा है, तीन रंगों से बने होने के कारण इसे तिरंगा कहते हैं। ठीक है, आगे की पंक्तियों को देखो। झंडा देश की शान है, हम सबकी पहचान है। कविता की इन पंक्तियों का अर्थ है कि बच्चे कहते हैं झंडा हमारे भारत देश की शान है और यह हमारे देश की पहचान भी है। हम सब हंसते हंसते इसे करें नमस्ते। कविता की इन पंक्तियों का अर्थ है कि झंडा हमारे देश की शान है, आओ हम सब इसका सम्मान करें, इसे सलामी दें। बच्चों आओ अब इस पाठ से जुड़े हम कुछ अभ्यास कार्य करते हैं। देखो पहला चित्र क्या है, इधर तुम्हें क्या करना है, दिए गए चित्रों से शब्दों को जोड़ी बनाना है। अब देखो बीच में कुछ शब्द लिखे हैं, कौन-कौन से शब्द हैं वो? यज्ञ, थन, झंडा, अंगूर, ढफली और षटकोण। ठीक
ठीक है, अब दिए गए चित्रों के साथ इन्हें जोड़ी मिलाना है। सबसे पहले देखो कौन सा चित्र दिया हुआ है। शाबाश, सबसे पहला चित्र है अंगूर का, दूसरा चित्र झंडा, और कहाँ लिखा है झंडा, यहाँ लिखा है, शाबाश। अगला चित्र देखो यज्ञ, कहाँ लिखा है यज्ञ, शाबाश, इसके साथ इसकी जोड़ी मिलाएंगे। अगला चित्र देखो थन, और इसे यहाँ लिखे थन के साथ जोड़ी मिलाएंगे। अगला चित्र देखो षटकोण, इसे हम षटकोण जहाँ लिखा है वहाँ से जोड़ी मिला देंगे। अगला चित्र ढफली, ढफली के साथ ढफली का चित्र मिला देंगे। ठीक है बच्चों, आओ बच्चों अब इस पाठ से जुड़े कुछ और गतिविधि करते हैं, और ये जानते हैं कि जो इस पाठ में कुछ शब्द आए थे जैसे यज्ञ, अंगूर, ढफली, षटकोण, थन, इन शब्दों की पहली आवाज़ क्या है और इन शब्दों में कितनी कितनी आवाज़ें हैं और इसे किस तरह से लिखा जाता है। तो याद है ना, हम हर पाठ में जिस तरह से गतिविधि करते हैं अभी भी यहाँ करेंगे। अब देखो पहला चित्र है अंगूर, अंगूर में ताली बजाकर देखो कितनी आवाजें हैं, अंगूर। पहली आवाज क्या है इसकी, अंग, कैसे लिखा जाता है अंग, ऐसे, शाबाश। दूसरा चित्र देखो, पहचान गए ना, हाँ यह झंडे का चित्र है, तो झंडा में कितनी आवाजें हैं, झंडा, दो आवाजें हैं, पहली आवाज झन, ठीक है, ऐसे लिखेंगे झन। अगला चित्र देखो बच्चों, कौन सा चित्र है, यज्ञ का, यज्ञ में कौन कौन सी आवाजें हैं, य, ज्ञ, दो आवाजें हैं, पहली आवाज य है और य ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला चित्र देखो, शाबाश, यह थन का चित्र है और थन में कितनी आवाजें हैं, थ, न, दो आवाजें हैं, पहली आवाज थ, ऐसा लिखेंगे थ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला चित्र देखो षटकोण, और षटकोण में कितनी आवाजें हैं, ध्यान से सुनना, श, ट, को, न, कितनी आवाजें हुई, चार आवाजें, पहली आवाज श। ठीक है बच्चों, और देखो ये श इस तरह से लिखा जाता है। ठीक, अगला चित्र देखो ढफली, ढफली में कितनी आवाजें हैं, ढ, फ, ली, तीन आवाजें हैं, पहली आवाज ढ, दूसरी आवाज प, तीसरी आवाज ली, क्या हो गया, ढफली। अब देखो ढ कैसे लिखा जाएगा, ढ ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो तुमने और भी पाठ में श, स और श पढ़ा है, अब इसका उच्चारण कैसे होता है इसे तुम ध्यान से समझना। जो देखो ये श लिखा है, ये शलजम का श है जिसे तुम श पढ़ते हो। ठीक, अब इस श का उच्चारण कहाँ से करते हैं, इसका उच्चारण हम तालु से करते हैं, और उसको तालु मतलब ऊपर, जो दांत के ऊपर जो जगह है, जैसे देखो श, जीभ को थोड़ा सा मोड़ो और बोलो श। ठीक है, अगला जो षटकोण का श है इसे हमें और थोड़ा अंदर से बोलना है, मतलब गले के अंदर मूर्धन्य बोलते हैं, यहाँ से बोलना है, और कैसे बोलना है, श। ठीक है, अब तीसरा जो सरौते का स है इसे तालव्य स कहेंगे, और इसका उच्चारण करते समय जो हमारी जीभ है वो दांत से टकराएगी और इसको हम बोलेंगे स, बोलकर देखो स। ठीक है बच्चों, आओ अब हम कुछ अभ्यास कार्य करते हैं। कौन कौन से अभ्यास कार्य हैं, इसमें तुम्हें सही विकल्प चुनना है। पहला प्रश्न है इसके लिए, यह किसका चित्र है और इस चित्र को पहचानो, उसमें चार विकल्प हैं। पहला विकल्प है केला, अंगूर, सेब, संतरा, तुम पहचान गए ना यह किसका चित्र है, शाबाश, यह अंगूर का चित्र है। दूसरा प्रश्न देखो, दूसरा प्रश्न है झंडा का चित्र कौन सा है, अब पहचानो इन चित्रों में झंडे का चित्र कौन सा है, शाबाश, इसका उत्तर है
झंडे का चित्र दूसरे नंबर का विकल्प है। अगला प्रश्न देखो, ढपली का कौन सा चित्र है? शाबाश, इसमें पहला विकल्प है ढपली। अब बच्चों अगला प्रश्न देखो, श अभी हमने पढ़ा ना, मूर्धन्य श का कहाँ से उच्चारण होता है? इस श से शुरू होने वाला कौन सा शब्द है? अब देखो कौन कौन से विकल्प हैं। पहला विकल्प है शक्कर, दूसरा विकल्प है षटकोण, तीसरा विकल्प है सेब, चौथा विकल्प है संतरा। पहचान गए ना? शाबाश, इसका सही उत्तर है दूसरा विकल्प। अगला हम प्रश्न देखते हैं, झंडे में पहली पट्टी किस रंग की होती है? याद है ना तुम्हें, झंडे में पहली पट्टी केसरिया रंग की होती है। अब बच्चों इस पाठ से जुड़े मैं तुम्हें कुछ गृह कार्य देती हूँ। जैसे सबसे पहला चित्र तुम्हें देखना है और बताना है ये किस रंग का होता है। जैसे बैंगन का चित्र देखो, ये किस रंग का होता है? बैंगनी रंग का। और भी देखो, टमाटर और जो श्याम पट होता है तुम्हारे स्कूल में जो लगा हुआ, उसका कौन सा रंग होता है? इसी तरह से अब तुम बताओ पेड़ की पत्तियों का रंग कौन सा होता है? ठीक है बच्चों, और उनका नाम लिखो। अगला गृह कार्य देखो कि चित्र पहचान कर तुम्हें उनका नाम लिखना है। कौन कौन से चित्र दिए गए हैं? यहाँ चित्र दिए गए हैं, ठीक है बच्चों, अब इनका तुम नाम लिखो। अगला प्रश्न है, तिरंगे झंडे का चित्र बनाकर रंग भरो। अब इस काम में मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। आओ हम तिरंगे झंडे का चित्र बनाएं और ये समझें कि झंडे के प्रत्येक रंग का क्या महत्व है। ठीक है बच्चों, आओ बच्चों अब हम तिरंगे झंडे का चित्र बनाना सीखें। इसके लिए क्या करना पड़ेगा तुम्हें? सबसे पहले अपनी कॉपी में इस तरह कुछ लाइन बना लो, ठीक है? जैसे देखो मैं इसको बना रही हूँ, ये बन गया खंभा जिसमें हम ध्वज को फहराते हैं। अब ये उसकी सीढ़ी, जो चबूतरा जहाँ पर ध्वज फहराया जाता है। अब बनाते हैं हम अपना ध्वज। बच्चों इसमें तीन रंग होते हैं, तुम्हें तो पता ही है। तीन रंग बनाने के लिए हमें इसकी तीन पट्टियाँ भी बनानी पड़ेंगी। पहली पट्टी किस रंग की होती है? याद है ना? अब देखो बच्चों तीसरी पट्टी बनाने के लिए ये नीचे की हम तीसरी पट्टी बनाएंगे, ठीक है? और इसका हम एक इस तरह से रस्सी बना देते हैं। याद है ना बच्चों सबसे पहली पट्टी में कौन सा रंग होता है? हाँ, सबसे पहली पट्टी में केसरिया रंग होता है। और बच्चों हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में केसरिया रंग का खास महत्व है, क्योंकि केसरिया रंग जो होता है वो एकता का प्रतीक होता है। इसका मतलब हमारे देश में आपस में सभी लोगों में एकता हो। और बच्चों तिरंगे झंडे की दूसरी पट्टी का रंग होता है सफ़ेद। अब क्योंकि तुम्हारे पन्ने का रंग भी सफ़ेद है, इसलिए हम सफ़ेद रंग यहाँ पर अभी नहीं भर रहे हैं, ठीक है? लेकिन समझो कि तिरंगे झंडे में सफ़ेद रंग की पट्टी का महत्व होता है शांति, मतलब हमारे देश में शांति रहे। और तीसरी पट्टी जो है वो हरे रंग की होगी और इसे हरियाली और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, ठीक है बच्चों? तो देखो अब इसे हम
इस पट्टी को हरे रंग से भर देते हैं और रंग भरते समय तुम सावधानी रखना कि रंग बराबर से भर जाए और इधर उधर ना फैल पाए। अब बच्चों, हम अपने राष्ट्रीय ध्वज के सफेद पट्टी के बीच में अशोक चक्र बनाएंगे। अब बच्चों, सफेद पट्टी के बीच में हम बनाएंगे अशोक चक्र। यह नीले रंग से बना हुआ चक्र है जो सारनाथ के जयस्तंभ से लिया गया है और इसके बीच में 24 तीलियां होती हैं। तो तुम भी इस तरह से नीले रंग का प्रयोग करते हुए अपने तिरंगे झंडे के चित्र में एक अशोक चक्र बना लो। और अब इसके डोर को तुम किसी भी रंग से भर सकते हो, ये तो तुम्हारी मर्जी है। और देखो, मैं इसे खंभे को भर रही हूँ, तुम अपनी मर्जी से कोई भी रंग भर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो बन गया ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज। अब चबूतरे को भी तुम अपनी मर्जी से कोई भी रंग का भर सकते हो। तो बच्चों, याद रखना, तिरंगे झंडे में सबसे पहला रंग केसरिया, दूसरे बीच में सफ़ेद रंग और नीचे की पट्टी हरे रंग की होनी चाहिए। ठीक है बच्चों? बच्चों, अब तुम्हें यह काम करके तो बहुत मज़ा आया होगा। ठीक है, इस कविता को तुम अपने घर के लोगों को भी पढ़कर सुनाना और जल्दी ही हम अगली कक्षा में मिलेंगे। तब तक के लिए घर पर सुरक्षित रहो।